यहाँ पर हमको जो प्रॉब्लम दे रखी है वो ये है, इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 एंड सेटिस्फाई दिस क्वांटिटी इज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो हमको इस क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉलम 1 है उसमें कॉलम 1 की जगह कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दिया, तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 ये भी 1 और ये 4 sin 4 थीटा है। तो इन सब में जब कॉलम 1 की जगह कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दोगे तो ये एलिमेंट सब में आएगा, यहाँ पर सब जगह 2 प्लस 4 sin 4 थीटा बनेगा, इसको बाहर ले लेंगे और यहाँ पर परमानेंट बच जाएगा और ये सिंपल इस तरीके के फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, वहां पे वन इस कॉलम में सब वन वन हो गया तो यहाँ पर 2 प्लस 4 sin 4 थीटा बना था, तो उसमें से 2 और कॉमन ले लिया तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 sin 4 थीटा, और अब r2 माइनस r1 कर रहे हैं तो 1 में से 1 गया तो 0 और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा में से sin स्क्वायर थीटा गया तो 1 एंड 4 sin 4 थीटा में से 4 sin 4 थीटा गया तो 0 और अब r3 माइनस r1 कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए कि पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि यहाँ पे सब में 1 1 1 था, तो अब फिर 1 यहाँ पे r3 में 1 था तो 1 में से 1 गया तो 0 बच जाएगा, sin स्क्वायर थीटा में sin स्क्वायर थीटा गया 0, 1 प्लस 4 sin 4 थीटा में से 4 sin 4 थीटा गया तो 1। अब इसको इसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं कॉलम 1 के अलोंग, तो यहाँ पे बाकी दो एलिमेंट तो 0, तो वो दो क्वांटिटी जो आ गई वो तो जीरो हो जाएगी और वन है यहाँ पर, इसको वन माइनस जीरो वन ही रह जाएगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, तो ये आ जाएगा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। अभी ये जीरो की कौन दे रखी है और हमको थीटा की वैल्यू 0 टू पाई बाय 2 में फाइंड आउट करनी है, तो ये साइन 4 थीटा को माइनस हाफ होना पड़ेगा और माइनस हाफ कब होता है, 7 पाई बाय 6 पर पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि जो साइन होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और हाफ के लिए पाई बाय 6 होता है, तो 7 पाई बाय 6 पे वो माइनस हाफ होगा और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 7 पाई बाय 24 है, जो कि 0 से पाई बाय 2 मिलाई कर रहा है और इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो अब इसकी वैल्यू निकालनी थी तो सिंपली यहाँ पर थीटा की जगह ये पुट कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में करता है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो और अपने क्वेरी कमेंट में डालते रहो।